मैं ये सुन रहा हूं कि आतिफान जो आप बयान दे रहे हैं और आप जो बातें कर रहे हैं और कहानी आप सुना रहे हैं, तो पहले चीज पता कर लिया करें। मैं शुक्र अंदर इतना फारे भी नहीं हूं, न मेरा ये काम है कि मैं ये करता भी हूं। मेरे पर और बड़ी जिम्मेदारियां हैं और मैं उनको निभा रहा हूं। आप जो बात कर रहे हैं हैसियत वाली कि किसकी हैसियत है और कौन अपनी हैसियत दिखा रहा है, हैसियत की बातें भी आप ना करें, आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। हैसियत के चक्कर में हम पड़ेंगे ना, आपस में भाई हैं, सारे कुलीग्स हैं, तो फिर हैसियत के चक्कर में हम पड़ेंगे तो फिर हर किसी को भी हैसियत का ही पता है और हमको अपनी हैसियत जानता भी है। तो ये रवैया जो आपने इख्तियार किया हुआ है ना कि बदमाशी करके तो फिर हम सब आजाद हैं तो फिर अब हम खुल के आएंगे, तो ये बदमाशियों पर और धमकियों पर बात नहीं है। ठीक है, ना कोई धमकियों से डरता है और न ही कोई धमकियों या बदमाशी किसी की मानता है। ठीक है, आपको मैं बताऊं कि मेरा ना इसे काम है, ना मैं इतना फारे हूं, ना इतने इंपॉर्टेंट आदमी है आप। ठीक है कि मैं आपके पीछे ही करता फिरूं, ये तो पहले आपकी पोजीशन ही है। दूसरी बात ये है इसके बाद कि ये जो केस आप ये खानी ऊपर सुना रहे हैं ना, आप नैब वाली, खट्टा साहब था तो आजम खान था तो महमूद खान था, ये जो आप इंक्वायरी खुली हुई है, ये इंक्वायरी आप पे किसी और केसों में खुली हुई है। और आपने 4 महीने पहले इसी ग्रुप पे मैसेज किया था या दूसरे वाले मैंने ग्रुप पे किया था कि हमारी इंक्वायरी का क्या होगा, तो इंक्वायरी का होता यह है कि आप जाएंगे, आप जाके बताएंगे और आप क्लियर होंगे और फाइलों की बना पड़ी रहेगी और कोई ना कोई खोल लेगा बाद में उसको। तो उस बुनियाद पे मैंने जब पता कराया तो पता चला कि इसलिए आपको ये भेजा गया है कि आप आए और जवाब दें इसका। और मैं आपको लेटर भेजता हूं, ये वो जो आप कहानी सुना रहे हैं वो कहानी है भी नहीं, ये एक और कहानी है जिसके ऊपर आपको बुलाया गया है। तो मेहरबानी करें चीजों को उल्टा पुलटा करके अभी तरह से सेल्फ जो है ना बना के कहानियां और दूसरों को ये कहना कि जी क्योंकि किसने किया है हमें पता है और क्यों किया है, और बाद में फिर साहब मेरा नाम लिख दिया नीचे मैसेज में, चलिए मीन से पूछो, और बाद में जी किसकी क्या हैसियत है, अपनी हैसियत को दिखा रहा है, तो मेहरबानी करें अवॉइड करें। मैं पहले भी आपको बड़ा बर्दाश्त कर रहा हूं, आप लोगों ने मीडिया पे आकर ड्रामा पहले भी बनाया, अभी भी बना रहे हैं, मैंने कभी ये काम नहीं किया, मैंने कभी जवाब दिया है। और मैं भी बात यही कह रहा हूं कि मैं इतना फारिग भी नहीं हूं, नहीं इतना फारिग मेरे पास टाइम है और नहीं आप इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपके पीछे चीजें निकालता फिरूं, मेरे और बहुत काम है।